मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ऋषभ पंत की जान जाते जाते बची। दोस्तों ऋषभ पंत अचानक से बेहोश हो गए थे और फिर पूरी डॉक्टरों की फौज बढ़ाई गई, मगर दोस्तों पूरे डॉक्टर्स भी ऋषभ पंत को होश में ना ला पाए। दोस्तों अभी देखना चाहते हो ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज से ठीक 25 दिन पहले ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुकड़ी जा रहे थे, उसी समय उनका कार का एक्सीडेंट हो गया और वहीं से गुजरने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उनको सहारा दिया और अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों ऋषभ पंत का स्टार्टिंग में 5 से 6 दिन इलाज चला देहरादून में और फिर 5-6 दिन के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर ऋषभ पंत की हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही थी और इसी सब पर ऋषभ पंत ने सभी को धन्यवाद भी किया था। लेकिन उसी के एक दिन बाद ऋषभ पंत के चाणक्य अस्पताल में तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों की पूरी फौज बुलाई गई, जब जाके ऋषभ पंत होश में आए। फिलहाल दोस्तों ये कह पाना मुश्किल है कि ऋषभ पंत बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और मैदान पर वापसी कर पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है ऋषभ पंत कब तक रिकवर हो पाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताएं।